आज मैंने फैसला कर लिया था बहादुर घोड़े के साथ आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने बहादुर घोड़े को भेजा कहाँ है? चलो पूरी कहानी बताता हूँ। दोपहर की करीबन 12:30 बजे मैं खेत से सीधा किराने वाले एक दुकान पर पहुंच जाता हूँ और किराने वाले एक दुकान से 2 सेव के पैकेट खरीद कर घर चल देता हूँ, क्योंकि आज सेव खाने का मेरा बहुत ज्यादा मन था, इसलिए सेव खाकर फटाफट नहा धो लेता हूँ मैं, क्योंकि आज फिर से जाना था मुझे बांस की लकड़ियाँ लेने। फिर नहा धोकर चल देता हूँ सीधा बांस की लकड़ियाँ लेने और इन बांस की लकड़ियों को मैं अपने छत की पीच में यूज करूंगा। बांस को काटने के लिए मैं अपने पापा के मामा को बुला लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर कच्चे बांस काट लेते हैं, क्योंकि कच्चे बांस को हम सीधा भी कर सकते हैं। फिर इन बांस की लकड़ियों को छट्टी करके अपने पापा के मामा की मदद से अपने स्प्लेंडर से घर लेके चले जाते हैं और घर पे पहुंच के इन बांस की लकड़ियों को छत पे रख देते हैं और मेरे मामा ने इतनी मेरी मदद करी थी इसलिए इनको लेके चला जाता हूँ स्पेशल चाय पिलाने के लिए। अब मैंने मामा को चाय पिला दी थी, लेकिन अभी मेन काम तो बाकी था, वो ये कि मुझे अभी अपने बहादुर घोड़े को लेके जाना है रोटावेटर फंदवाने के लिए। फिर मैं बहादुर घोड़े को लेकर चल देता हूँ रोटावेटर के पास और मैं अकेला रोटावेटर फान देता हूँ। अब हमें शाम हो चुकी थी और मुझे खेत पे जाना था, इसलिए मैं अपने बहादुर घोड़े को पापा के साथ भेज देता हूँ। फुल वीडियो चैनल में डल चुकी है, जाके देख लीजिए।